हेलो एवरीवन, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इमरती की रेसिपी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बेल आइकन को प्रेस करके। चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो एक बाउल लिया है मैंने उड़द दाल, सफ़ेद उड़द दाल है, ठीक है। इसको भिगो दिया 2 घंटे के लिए, इससे ज़्यादा मत भिगोइएगा, स्मेल आ जाएगी। वरना पीस लेंगे अच्छे से, महीन पीस लीजिएगा। 6-7 टेबल स्पून पानी डालना पड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाशनी बनाएंगे, 2 बाउल चीनी और 1 बाउल पानी। हल्की आंच पे इसको मतलब गर्म होने दीजिएगा। जब उबाल आने स्टार्ट हो जाए, हमें सिर्फ चीनी को पिघलाना है, ठीक है। उबाल आने स्टार्ट हो जाए, फूड कलर ऑरेंज कलर डाल दिया मैंने। देखिए इतनी महीन तार बननी चाहिए, एकदम पतली और टूटती हुई, ठीक है। एकदम थिक तार नहीं चाहिए हमें। ये मैंने तैयार करके रख दिया था, इसमें मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाला है। इसको अच्छे से मिला लीजिएगा। अगर ज़्यादा पानी लगे आपको तो आपको इसमें राइस फ्लोर, जो चावल का आटा होता है, 5 से 6 टेबल स्पून डालनी है। 5 टेबल स्पून काफ़ी, वैसे 5 टेबल स्पून चावल का आटा डाल के इससे ना जो क्रिस्पीनेस है, क्रिस्पीनेस भी रहेगी, और क्योंकि ये दाल है तो सॉफ्ट भी होगा वो, ठीक है। तो बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। और देखिए ये अगर हो चुका है तो ये तैरेगा, ठीक है। अब ये तैयार है। ऑयल हमें लेना है और पैन को हम गरम कर देंगे, ठीक है। ऑयल इतना गर्म होना चाहिए कि ये मैंने थोड़ा सा डाला और इसमें साइड में देख रहे हैं आप जो बबल्स उठते हैं बाहर। अब इसको पाइपिंग बैग में फिल करके हम इसकी मटिया डालेंगे। देखिए मैं आपको प्रॉपर दिखा रही हूँ, अंदर अंदर की तरफ आप सर्कल कीजिएगा। 1-2 बार आप करेंगे ना तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। मेरी भी 1-2 थोड़ी अलग ही चली गई थी, बट 1-2 बार प्रैक्टिस करिए, बहुत ही सुंदर बनेंगी इमरती भी आपकी, ठीक है। 2 राउंड लेने हैं और बस अंदर अंदर आपको सर्कल करते जाना है, ठीक है। दोनों तरफ से फ्राई कीजिएगा, अच्छे से फ्राई होना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद चाशनी में डिप कीजिए, 2 से 3 सेकेंड काफ़ी हैं, फटाफट निकाल लीजिए। देखिए लग रही है ना कितनी अम्मी, और 2 से 3 सेकंड में ही ये सोख लेंगी पूरी चाशनी को। चाशनी एकदम गर्म नहीं होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए कि आपकी उंगली जो है आप उसमें डिप करो तो वो फील कर सके कि हाँ गर्म है। बस इमरती तैयार है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और 2-3 चीज़ों का ध्यान बस रखिएगा तो आपकी इमरती भी बहुत ही टेस्टी बनेगी। चाशनी का और जो फ्राई करते टाइम दोनों तरफ फ्राई करनी है। थैंक यू।